औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर की मशहूर सैनी स्वीट मिठाई की दुकान पर कस्टमर की शिकायत के बाद खाद्य विभाग ने छापामार कार्यवाही करते हुए केक का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा है। सैनी स्वीट्स पर पूर्व में भी दो मामले खाद्य विभाग दर्ज कर चुका है। दरअसल पूरा मामला कुछ यूं है कि एक कस्टमर द्वारा ऑनलाइन ऑर्डर से सैनी स्वीट से केक मंगवाया गया था। वहीं कस्टमर के पास जब केक का पार्सल पहुंचा तो कस्टमर द्वारा जब केक को खोलकर देखा तो केक से बेहद बुरी तरह बदबू आ रही थी। ग्राहक द्वारा केक को तुरंत ही रिटर्न कर दिया गया। वहीं कस्टमर द्वारा तुरंत ही खाद्य विभाग को शिकायत दर्ज करवाई गई। वहीं खाद्य विभाग के अधिकारी सचिन लांगुरिया द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत एक्शन लिया गया और सैनी स्वीट्स पर छापा मार दिया गया। मौके पर पहुंचे खाद्य विभाग अधिकारी ने बताया कि सैनी स्वीट्स पर पूर्व में भी दो मामले दर्ज हो चुके हैं और न्यायालय में विचाराधीन हैं। वहीं इसी प्रकार क्षेत्र की दो अन्य मिठाई की दुकानों से और भी सैंपल लिए गए हैं। पीथमपुर से संजय सोनग्रा की रिपोर्ट। आज किस प्रकार की कार्रवाई की गई है? ये पीथमपुर में आगामी जो दीपावली और जो दूसरे त्यौहार हैं उनको देखते हुए और कुछ शिकायत प्राप्त हुई थी, इसके आधार पर आज पीथमपुर में कार्रवाई की गई है खाद्य सुरक्षा प्रशासन के द्वारा। इसमें सैनी स्वीट से केक और पेड़ा का सैंपल लिया गया है। बीकानेर स्वीट हाउसिंग बोर्ड से मावा और खरबूजा पेड़े का सैंपल लिया गया है। अर्षिता एवरफ्रेश हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पीथमपुर से टोस्ट का नमूना लिया गया है और रघुवंशी दूध डेयरी से मावा का नमूना लिया गया है। सर, सैनी स्वीट में कोई अनियमितता पाई गई है? अभी सैनी स्वीट से अभी नमूना दिया गया है। शिकायत प्राप्त हुई थी यहाँ से किसी ने केक खरीदा था और उस केक में बदबू आ रही थी, उस आधार पर यहाँ पे केक जांच के लिए भेजा है। वो तो जांच रिपोर्ट आने के बाद फिर आगामी कार्रवाई। सर, पूर्व में भी सैनी स्वीट पे कितने मामले दर्ज हैं? अभी जो मेरी जानकारी है अभी दो मामले जो पिछले दो सालों में बने हैं वो प्रचलित हैं माननीय न्यायालय के समक्ष। सर, किस प्रकार के है वो केस? ये मिठा छाप के हैं, मिठाई और नमकीन का है। तो क्या पाया गया था सर उसमें? ये उसमें डेट ऑफ पैकिंग, बैच नंबर वगैरह नहीं पाए गए थे, उसके आधार पर मिठा छाप को न्यायालय में। ठीक है सर, आपका नाम और पद बता दें। सचिन लोगरिया, अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।